तो गाइस सबसे पहला स्कॉर्पियो का फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था 2002 में जून के महीने में सबसे पहला महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हुआ था। तब इस गाड़ी में आता था एक 2.6 लीटर का यानी कि 2600 सीसी का डीजल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता था 105 हॉर्स पावर का। और एक और इसमें पेट्रोल इंजन भी उस टाइम पे सबसे पहले पहले महिंद्रा ने लॉन्च किया था जो था 2100 सीसी का पेट्रोल इंजन। लेकिन पेट्रोल इंजन इतना नहीं चला, सबको डीजल ही काफी ज्यादा दमदार काफी ज्यादा पसंद आने लगा तो उसका सेल्स काफी बढ़िया और पहले साल में ही ये खतरनाक इसका सेल चला था। और जो ये फर्स्ट जनरेशन है ना, आपने इसको काफी सारे फिल्मों में किडनैप वाले व्हीकल में आपने इसको देखा होगा या फिर विलेन की गाड़ी में इसको देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंघम का फिल्म देख लो, उसमें जो विलेन का गाड़ी होता है ब्लैक कलर का, वो यही स्कॉर्पियो होता है, फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो। तो गाइस फिर आता है 2006 में इस गाड़ी का फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट आता है, पहला फेसलिफ्ट आता है जहां पे इस गाड़ी में 43 चेंजेस किए गए थे। मैंने जहां तक सुना कि 43 चेंजेस इसमें करे गए थे जिसमें कि अलॉय व्हील चेंज किए गए थे, बॉडी कलर में ऑप्शंस लाया गया था और टेल लैंप्स का डिजाइन चेंज किया गया था, सीट्स में थोड़े इधर उधर चेंज किए गए थे, सस्पेंशन में चेंज किए गए थे। और अगेन इसमें जो वही 2.6 लीटर का यानी कि 2600 सीसी का वही इंजन आता था लेकिन पावर इसमें बढ़िया था जो कि था 116 हॉर्स पावर का, इसमें फिर पावर आने लगा तो फिर इसका सेल फिर से जो है बढ़ गया। फिर आता है गाइस 2009 में इस गाड़ी का स्कॉर्पियो का आता है सेकेंड जनरेशन मॉडल। और सेकेंड जनरेशन मॉडल ना गाइस मेरी पर्सनल फेवरेट मॉडल था और ये मतलब ये जो मॉडल ना गाइस नेक्स्ट लेवल। और तब जो सिंघम फिल्म था, सिंघम आपको पता होगा जो अजय देवगन सर का वो फिल्म था, तो उसमें जो ये गाड़ी को यूज किया गया था व्हाइट कलर का जो अजय देवगन चला रहे थे वही यही गाड़ी था, सेकंड जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो। और उसने जो इस गाड़ी के सेल्स को बढ़ाया ना, नेक्स्ट लेवल इस गाड़ी के सेल्स को कर दिया। और एक और चीज, एक और अनोखी बात, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है जो नरेंद्र मोदी सर वो जब गुजरात के सीएम थे तब उनके पास ये वाली गाड़ी थी, वो महिंद्रा स्कॉर्पियो के बहुत बड़े फैन आप कह सकते थे क्योंकि वो गाड़ी इंडिया में बनी थी, इसलिए मतलब अभी भी बनती है इंडिया में, इंडियन कार है, एसयूवी है, तो इसलिए वो भी उसी गाड़ी में घूमा करते थे जब वो गुजरात के सीएम थे। फिर पीएम बनने के बाद तो फिर जो एनएसजी के कमांडर थे उनके लिए बीएमडब्ल्यू को चूज किया था। लेकिन ये गाड़ी इसलिए आइकॉनिक गाड़ी है, बहुत ही इसका सेल नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था इस मतलब इस जनरेशन का, सेकेंड जनरेशन का। तो गाइस इसमें वही आने, इसमें फिर इंट्रोड्यूस हुआ 2.2 लीटर यानी कि 2200 सीसी का एम हॉक इंजन, द अल्टीमेट महिंद्रा एम हॉक इंजन जो है इसमें आने लगा, वहां से स्टार्ट होता है। तो ये गाड़ी फिर प्रोड्यूस करने लगा था 120 हॉर्स पावर और 290 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करने लगा था। फोर व्हील ड्राइव का इसमें एक ऑप्शन आता था लेकिन बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आने लगा था और इसमें एयर बैग्स और ईबीएस का भी ऑप्शन देखने को मिल गया था जो की काफी बढ़िया बात था। फिर आता है गाइस इसका थर्ड जनरेशन मॉडल जो कि स्कॉर्पियो था, उसका थर्ड जनरेशन मॉडल आया, उस पर टेस्टिंग तो काफी टाइम से चल रहा था लेकिन 2014 में फाइनली इसका थर्ड जनरेशन मॉडल आता है जो फिर से वही सेम 2.2 लीटर का 2200 सीसी का इंजन आता था, उसमें डीजल इंजन और इसमें दो डीजल इंजन का ऑप्शन देखने को मिलता था। उसमें डिटेल में नहीं जाता हूं, बस ऊपर से आपको बोल रहा हूं, इसमें इंप्रूव थोड़ा सा इंजन था और इसमें वही 120 हॉर्स पावर और 218 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको देखने को मिलता था। और इसमें एक पूरी तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म, नया चैसी इसमें महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर 2017 में ये जो थर्ड जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था इसका एक और फेसलिफ्ट वेरिएंट आया था, क्योंकि ये जो थर्ड जनरेशन आया था इसमें बहुत सारी चीजें जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट में उस सारी चीजों को कवर अप करा गया और एकदम जो गाड़ी है और भी ज्यादा मस्कुलर और भी ज्यादा बढ़िया जो है गाड़ी दिखने लगी थी। और उसमें भी वही एमोहॉक इंजन आने लगा था और इसमें पावर बढ़िया था जो कि था 140 हॉर्स पावर इसमें आने लगा था और 319 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क इसमें देखने को मिला था। तो गाड़ी काफी ज्यादा इसके सेल्स उसके बाद भी काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर आता है गाइस अभी का इस साल जो है 2022 में दो इनके जनरेशन दो गाड़ी लॉन्च होते हैं। एक है इनका फोर्थ जनरेशन जिसका नाम है स्कॉर्पियो एन जो इसी साल लॉन्च हुआ है, आपको पता ही होगा। ये एकदम फीचर फुल गाड़ी है, आजकल के गाड़ियों को कम्पीट करने के लिए बनाई गई है। मैंने आपको पहले इसका और जो ऑफिशियल एक्सक्लूसिव वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था, इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का भी ऑप्शन मिलेगा। और इसमें एक और चीज है जो कि है फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है जो कि काफी बढ़िया बात है। इसमें एकदम नया डिजाइन, नया सारे फीचर्स इसमें आते हैं। और इंजन के बारे में मैं इसके और मतलब एक्सक्लूसिव वीडियो में मैंने इसके बारे में बात किया है, अगर आपको उसके बाद देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और 2022 में जो हमारी पुरानी जो स्कॉर्पियो थी थर्ड जनरेशन उसका एक फेसलिफ्ट आता है क्योंकि उसका सेल भी
कंटिन्यू रखना था क्योंकि लोगों का उसका भी डिमांड ज्यादा था। तो जो थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट था ये नई नवेली स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से आने लगा, जो कि डीजल में ही सिर्फ आएगा, पेट्रोल में नहीं आएगा। और इसमें भी थोड़ा बहुत जो है कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह किए गए थे और गाड़ी को नया लुक देने का ट्राई किया गया था, जो कि काफी बढ़िया बात था। तो गाइस यही था महिंद्रा स्कॉर्पियो के सारे मॉडल्स 2002 से लेके 2022 तक। देखते हैं स्कॉर्पियो कहां तक चलता है, कितना दूर तक। मैं चाहूंगा कि स्कॉर्पियो लंबा गेम खेले और लंबे टाइम तक चलती रही। एक अनोखी बात मैं आपको बता देता हूं स्कॉर्पियो के बारे में। स्कॉर्पियो के इतने सारे जनरेशन आए लेकिन 2022 में जाके स्कॉर्पियो का नाम जो है वो चेंज होता है, जो कि है स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक। लेकिन इतने दिनों से स्कॉर्पियो का नाम हमेशा स्कॉर्पियो ही रहा, कभी भी उसमें जो है नाम में कभी इधर उधर चेंज नहीं हुआ। बाकी जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था सुमो वगैरह, तो उसमें सुमो विक्टा, सुमो गोल्ड ये सब आता था, लेकिन स्कॉर्पियो के नाम में कभी भी इतना कुछ चेंजेस नहीं आया है अनलेस एंड अंटिल 2022 आया। तो गाइस स्कॉर्पियो मेरी पर्सनल फेवरेट एसयूवी है, इंडियन एसयूवी। आपको कैसा लगता है स्कॉर्पियो मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए। मैं सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।